गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ेंगे कक्षा 3 की, जिसका नाम है व्याकरण नविका। चलिए स्टूडेंट्स पुस्तक खोलते हैं। ये स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्णमाला ज्ञान पृष्ठ संख्या 7 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं वर्णमाला ज्ञान। ठीक है बच्चों, बोलते समय हमारे मुख से बहुत सी ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि निकलती है मुँह से, जैसे आवाज़, जैसे हम जो भी हमारे सुर निकलते हैं, जो ध्वनि निकलती है उसको वर्ण कहते हैं। वर्णों के प्रयोग से ही भाषा बनती है। देखिए, बादल बा जमा आ जमा द जमा अ जमा ल जमा अ बादल। घोड़ा घ जमा ओ जमा ड जमा आ घोड़ा। अनार अ जमा न जमा आ जमा र जमा अ अनार। इन ध्वनियों के और छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, ये वर्ण है। ठीक है, बोलते समय हमारे मुख से निकलने वाली अनेक ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं, जिनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये टुकड़े करके आपको दिखाया गया, इससे ज़्यादा और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में इन स्वर की संख्या 11 होती है। स्वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण किसी भी वर्ण की सहायता के बिना किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आ से अ तक, आ आ ई ई ओ उ ऊ, ऋ से ऋषि, ए हे ओ ओ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखते हैं व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है, क से ह तक। ठीक है, अ अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है, लेकिन इसका प्रयोग हिंदी भाषा में भी किया जाता है, जैसे डॉल बॉल डॉक्टर आदि। ड तथा ड को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। इनसे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। वर्णमाला, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। स्वर तथा व्यंजनों के मिलने से हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इन स्वर तथा व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में कुछ और ऐसी ध्वनियाँ भी हैं जिनका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। वे निम्नलिखित हैं, जैसे अनुस्वार, ये बिंदी वाला। ठीक है, इनका प्रयोग वर्ण के ऊपर किया जाता है, जैसे गंगा अंधा चंदर बंदर आदि। अनुनासिक, चांद बिंदी वाला, इसका प्रयोग भी वर्ण के ऊपर किया जाता है, जैसे चांद आँख दांत हंसी मुंह आदि। विसर्ग, इसका प्रयोग वर्ण के बाद किया जाता है, जैसे तथा यह ह की ध्वनि देता है, जैसे प्रातः अतः क्रमशः आदि। संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बनते हैं, इनकी संख्या 4 है। ये है क्ष त्र य श्र। क्ष से क जम श इजिकल टू क्षमा क्षत्रिय। त्र त जम र त्रिशूल त्रिनेत्र। य ज जम अनाखाली ज्ञानी विज्ञान। श्र श जम र प्रश्रम श्रमिक। चलिए, इस पाठ में हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स? बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। जिन ध्वनियों के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या 33 होती है। वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।